दोस्तों नमस्कार, आईसीएस की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ रहे थे और यूरोपीय कंपनियों का जब विस्तार हुआ उस समय उत्तरकालीन मुगल शासन चल रहा था, मुगलों का पतन धीरे धीरे हो रहा था। उस पतन के क्रम में हम जानेंगे कि उत्तरकालीन मुगल जो शासक थे वो कौन कौन थे, उनका क्रम क्या था और जो घटनाएं हुई वो किस बादशाह के शासनकाल में हुई। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के बारे में। उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहले तो जान लेते हैं कि प्रारंभ में कौन कौन थे। बाबर ने स्थापना की 1526 में आता है और 1530 तक रहता है। तत्पश्चात उसका पुत्र आता है हुमायूं, 1530 से 40 तक। फिर उसके बाद 1555 में आता है। फिर उसके बाद हुमायूं का पुत्र अकबर आता है, 1556 से 1605 तक रहता है। 1556 से 1605 तक रहता है। तत्पश्चात अकबर का पुत्र होता है जहांगीर, वो आता है। ये सब मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ेंगे। जहांगीर आता है 1605 से 1607 तक रहता है। 1605 से 1627 तक रहता है। और उसके बाद शाहजहां आता है 1627 से 1658 तक रहता है। तत्पश्चात औरंगजेब आता है, 1658 से 1707 में रहता है। 1658 से 1707 रहता है। तो औरंगजेब ये जो है वो मध्यकालीन भारत में आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इनका पतन शुरू हो जाता है। पतन के कई सारे कारण रहते हैं, राजनीतिक और बहुत सारे युद्ध जो लड़े गए वो बहुत सारे कारण रहते हैं। क्योंकि उस समय अंग्रेज थे वो अपना विस्तार बढ़ा रहे थे और उसी क्रम में इन लोगों का पतन हो रहा था। जो मुगल कालीन शासक थे उनका पतन हो रहा था। में औरंगजेब की जो मृत्यु हो जाती है तो शासक आते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह आते हैं, इसका जो नाम है वो मुअज्जम और मोहम्मद। इसलिए कहा गया कि औरंगजेब के तीन बेटे थे। उन तीन बेटों में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उन तीनों में क्या होने लगता है, संघर्ष होने लगता है। उन तीनों में संघर्ष शुरू हो जाता है। तो ये मुअज्जम था, इसको हम लोग बहादुर शाह के नाम से भी जानते हैं। तो इसने क्या किया, 1709 में क्या किया इसने, कामबख्श व मोहम्मद आजम को मौत के घाट उतार देता है। उनको क्या लगता है, उनको मार डालता है और शासन कौन करने लगता है, बहादुर शाह। शासन कौन करने लगता है, बहादुर शाह शासन करने लगता है। इसका शासन जो है 1707 से लेकर 1712 तक चलता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे कि इसके बारे में हम लोग अगर कहें तो ये जो था औरंगजेब के बाद उत्तरकालीन कोई सबसे पहला शासक जो आया वो कौन था, बहादुर शाह।
1719 में क्या किया, अपने भाई को मार डाला और 1750 के आरंभ करने लगा, शासन करने लगा। इसको बोला जाता है, इसका एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि साहे बेखबर के नाम से कौन सा शासन जाना जाता है, साहे बेखबर के नाम से कौन सा शासन जाना जाता है, वो कौन था, बहादुर शाह। कौन सा, बहादुर शाह। उसके बाद 1713 में आता है जैदार शाह। 1713 में कौन आता है, जैदार शाह। इसको लंपट मूर्ख बोलते हैं, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है ये। और ये जो है 1712 से 1713 के बीच रहता है, 12 से 1713 के बीच रहता है। इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि लंपट मूर्ख के नाम से कौन जाना जाता है, तो जैदार से जाना जाता है। इसके बाद फारूक सियर आता है। फारूक सियर के बारे में क्या है कि इसने एक फरमान जारी किया था अंग्रेजों को, और उस फरमान के कारण ही ये चर्चा में था। तो इसने फरमान जारी किया था, उस फरमान के कारण ही ये क्या था, चर्चा में रहा था फारूक सियर। सत्रह सौ तेरह से लेकर 1719 तक रहता, 1713 से लेकर 1719 तक रहता है। इसने क्या किया था, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया था, सुनहरा फरमान दिया था। सुनहरा फरमान में क्या था कि अंग्रेज थे वो बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकते थे, उसके अलावा सूरत बांध में भी मुक्त व्यापार कर सकते थे, और उन्होंने जो सिक्के थे उनको क्या कर सकते थे, संपूर्ण भारत में चला सकते थे। मुंबई में जो सिक्के थे वो क्या कर सकते थे, संपूर्ण भारत में चला सकते थे। 1719 में जो था कि सैयद बंधु थे, सैयद बंधुओं का संपूर्ण मुगल शासन जो था उस पर कब्जा कर लिया, संपूर्ण मुगल शासन जो चल रहा था उसमें प्रभुत्व किसके आने लगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि सैयद बंधुओं का मुगल शासन पर प्रभाव कब से कब तक रहा, प्रभाव कब से कब तक रहा। सैयद बंधुओं का मुगल शासन था उस पर प्रभाव कब से कब तक रहा। 1719 से तीन शासक जो थे वो इनके अधीन कार्य कर रहे थे। तो तीन शासक जो थे 1719 से और 1748 तक तीन शासकों ने इनके अधीन काम किया। तो तीन शासकों ने इनको जान लेते हैं, पहला था रफाउद दौला, पहला रफी दौला, रफीउद्दौला दर्जात करके था, ये 1719 तक में रहा। फिर दूसरा शासक था रफीउद्दौला से, ये 1719 तक में ही रहा। ये दो शासक धीरे धीरे इनका परिवर्तन किया गया, और उसके बाद लाता है मोहम्मद शाह। उसके बाद सैयद बंधु जिसको लाते हैं मोहम्मद शाह। सर्वाधिक जो शासन किया सैयद बंधुओं के प्रभुत्व में आकर वो मोहम्मद शाह ने किया, सर्वाधिक जो शासन किया वो किसने किया, मोहम्मद शाह ने किया। सर्वाधिक शासन जो किया वो किसने किया, मोहम्मद शाह ने। 1719 से लगाकर 1748 तक, 1719 से लगाकर 1748 तक किसने शासन किया, तो ये था आपका मोहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह के शासनकाल में ये घटना होती है। जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा वहां तख्तेताऊस को 1739 में आक्रमण किया और उसी आक्रमण में क्या हुआ, 1739 में तख्तेताऊस और कोहिनूर हीरा को ले गया नादिसा। ये घटना बहुत प्रसिद्ध है कि तख्तेताऊस और कोहिनूर हीरा कौन जीत कर ले गया, तो वो नादिसा, नादिसा ने आक्रमण किया और इसको हरा भी दिया और बदले में ये क्या ले गया, कोहिनूर हीरा, तख्तेताऊस और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं, उन इतना ही धन लूट के ले गया था। जब ये ईरान गया तो इसने ईरान में जितने भी उस समय कर थे उन सभी करों पे कर दिया, माफ कर दिया। ये बहुत बड़ी घटना है मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान। उसके बाद जो शासक आता है वो कौन आता है, अहमद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में एक और बात जान लीजिए, ये क्या था, दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहन किया जाता था, दरबार में क्या था, महिलाओं के वस्त्र पहन किया जाता था और कभी कभार ये क्या करना था, नंगे होकर दरबार में नाचने लगता था, नंगे होकर क्या करता था, दरबार में नाचने लगता था, इसलिए इसको रंगीला वस्त्र कहा जाता था। तो मोहम्मद शाह का जो शासन था वो सैयद बंधुओं के प्रभुत्व में ही रहा और इसके शासनकाल में एक मुख्य घटना क्या हुई, एक ये घटना हुई कि जो नादिसा था वो तख्तेताऊस और तख्तेताऊस के साथ में कोहिनूर हीरा भारत से ले गया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसको क्या बोला जाता है, रंगीला बादशाह बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये अक्सर महिलाओं के पोशाक पहनकर दरबार में आया था और जो वो पोशाक पहनकर कभी बार वो कपड़े भी सारे उतार डालता था, इसलिए उसको रंगीला बोला जाता था। बहुत ही बदमाश टाइप का इंसान था। उसके बाद कौन आता था, अहमद शाह आता है। सत्रह सौ अड़तालीस से लगाकर सत्रह सौ चौवन तक शासन करता है। फिर आता है आलमगीर, फिर कौन आता है, फिर आता है आलमगीर और 1754 से लगाकर 1758 तक शासन करता है, 1754 से लगाकर 1758 तक शासन करता है। फिर आता है सयाम, कौन आता है, फिर सयालम आता है और 1759 से लगाकर 1806 तक शासन करता है, 1759 से लगाकर 1706 तक शासन करता है। और इसी के समय क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या बोला, बक्सर का युद्ध हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। पूछा जाएगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो किस शासक के शासन में आया, तो वो कौन था, सयालम। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये मुख्य घटना थी। और इसके अलावा क्या आया था, 1784 का पिट सिंह एक्ट। ये सारे एक्ट किसमें आए थे, सयालम के शासनकाल में।
फ्लासी अगर पूछा जाए कि फ्लासी का युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, तो वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जो कि 1757 में हुआ था आलमगीर के साथ। 1757 का जो हुआ था प्लासी का युद्ध, किसके तमाम मुगल शासक कौन था जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी का युद्ध मुगल शासक कौन था, तो मुगल शासक था आपका आलमगीर। तो मुगल शासक कौन था, आलमगीर। इसके बाद आता है अकबर द्वितीय। अकबर पहला जो आप जानते हैं महान, उसके बाद में कौन आता है, अकबर द्वितीय। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं और किस तरीके से प्रभुत्व जो गगन थे उनकी स्थापना हुई। तो अकबर द्वितीय आता है, अकबर द्वितीय कब आता है, 1806 में और 1837 तक रहता है। 1806 में आता है और 1837 तक रहता है। उसके बाद कौन आता है, तो अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक आता है। इसमें क्या आया था, भारत सरकार नियम 1833 विलियम बेंटिक आए थे, विलियम बेंटिक आए थे और इसी के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था। इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था। तो अगर पूछा जाए कि किस मुगल शासक के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था, तो वो कौन था, अकबर द्वितीय। अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जब भारत आया, बहादुर शाह जफर जब ने जब भारत पर मुगल सत्ता को अपने हाथ में लिया, उस समय उसी के शासनकाल में क्या हो गया, एक बहुत बड़ी घटना हो गई। कौन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया। क्या हो गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया। कब हुआ, 1857 की क्रांति हुई, इसको भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और इसने क्या किया, बहादुर शाह ने उस क्रांति में भाग ले लिया, उस क्रांति में भाग लिया जिससे अंग्रेज बहुत नाराज हो गए, अंग्रेज बहुत नाराज हो गए और इसको कहां भेज दिया, रंगून भेज दिया, रंगून भेज दिया और वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है, वहीं इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मुगल जो उत्तरकालीन शासक थे उनका, उनके क्रम के बारे में हमने जाना और कौन कौन सी घटनाएं उनके शासनकाल के दौरान हुई उनके बारे में जाना। कुछ रियासतें जो थी वो स्वतंत्र अपने आप को घोषित करने लगी और वहाँ के जो शासक थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला क्या था, अवध। पहला क्या था, अवध था। तो इसको किसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, सआदत खान। अवध को किसने घोषित किया स्वतंत्र, सआदत खान ने। उसके बाद में बंगाल, उसने घोषित किया, मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को उसने किया, मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। और हैदराबाद की बात की जाए, स्वतंत्र रियासत के रूप में पूछा जाए कि हैदराबाद की स्थापना स्वतंत्र रियासत के रूप में करने की, तो चिंगेज खान, चिंगेज खान ने। अगर पूछा जाए कर्नाटक की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने की, तो सदुल्ला खान, कर्नाटक की किसने की, सदुल्ला खान। इन रियासतों के बारे में हम लोग जो ये स्वतंत्र रियासतें घोषित हुई इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में क्रम वाइज पढ़ेंगे, हर एक रियासत के बारे में।
आज हम लोगों ने जाना कि उत्तरकालीन मुगल जो शासक थे किस तरीके से उन्होंने शासन किया और उनके शासन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में जाना, जैसे 1857 की क्रांति में किस शासन ने भाग लिया तो वो कौन था, किस मुगल शासन ने भाग लिया तो कौन था, तो वो था आपका बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, आपको यहाँ से ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है, जो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।